टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाफर्दी ने चेतावनी जारी कर दिया उन तमाम टीमों को जो उनके खिलाफ पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप में खेलना है। ऑब्वियसली सी बात है कि उसमें भारत को भी खेलना है, अफ्रीका को भी खेलना है, बाकी टीमों को भी खेलना है, लेकिन उन्होंने एक कोटेशन डाला, उन्होंने एक लाइन लिखी दरअसल सोशल प्लेटफॉर्म पे और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि तूफान के पहले की शांति, यानी कि शाहीन शाफर्दी ये दिखाना चाहते हैं कि अब जो है उनका तूफान आने वाला है वर्ल्ड कप में। देखना पड़ेगा तूफान आता है या नहीं आता है, लेकिन आप सबको मालूम होगा कि पिछले साल भारतीय टीम जब वर्ल्ड कप में गई थी तो इसी गेंदबाज ने भारतीय टीम की जो शुरुआत है वो बेहद खराब कर दी थी और उसके बाद एक खौफ इतना बैठ गया कि बाएं हाथ के गेंदबाज के बारे में हम सोचने लगे, शाहीन शाफर्दी के बारे में सोचने लगे कि ये खेलेगा तो क्या होगा, कैसे इसको टैकल किया जाएगा। वैसे पाकिस्तान के पास में भी शाहीन शाफर्दी के अलावा कई सारे बेहतरीन गेंदबाज हैं, चाहे हारिस राउफ को देख लें, नसीम शाह उनके पास है, शहनवाज दानी है, मोहम्मद हसनैन है, एक से बढ़कर एक गेंदबाज उनके पास मौजूद है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये सारे गेंदबाज होते हुए भी शाहीन शाफर्दी की कमी को पूरा नहीं कर सकते, यानी कि अब शाहीन शाफर्दी के आने से ये टीम और भी मजबूत हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समय शाहीन शाफर्दी ट्राई सीरीज में हिस्सा लेने के लिए न्यूजीलैंड में हैं, वहां पर वो खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि उनकी फिटनेस लगभग पूरी हो गई है और वहां खेलने का मतलब कि वर्ल्ड कप में भी भारत के खिलाफ पहला मैच जो अभी तक हो रहा था शायद नहीं खेलेंगे, वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन ट्राई सीरीज में कब मौका मिलता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अब शाहीन शाफर्दी की जो लाइन है वो भी ये बताती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने वार्निंग दे दी है तमाम टीमों को कि सावधान हो जाइए, मैं वापस आ रहा हूं। आपको क्या लगता है शाहीन शाफर्दी भारत पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़े ट्रंप कार्ड पाकिस्तान के लिए बनने वाले हैं, या आपको लगता है कि नहीं, अब भारतीय बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और भारतीय बल्लेबाज जो है वो आसानी के साथ टैकल कर लेंगे पाकिस्तान के इस गेंदबाज को? आप कॉमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।